हेलो गाइस, मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। हम यहाँ आप ऐसे ऐसे सीजीएल प्रीलिम्स में पीछे पूछे गए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये हमारा सीरीज लगातार चल रहा है और ये इस सीरीज का 17वां क्लास है। आज हम अपने वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे लेके आए हैं जो पिछले साल पूछे गए थे, और उसको भी हम कंसेप्ट वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके हम बताएंगे कि उसको किस तरह से अटेम्प्ट लेना चाहिए। ओके, इससे पहले भी अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, और आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो वो जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं ना, वो है आपका समय, कार्य और समय का, मतलब टाइम और वर्क का। टाइम और वर्क का जैसा पिछला क्लास में मैंने आपको बताया ही था कि किस तरह से हम उसको हम समझते हैं कि जितना डे काम करते हैं और जो एफिशिएंसी हमारी होती है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल वर्क आता है। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं एंड देन हम इसका सॉल्यूशन पे चलेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक पाइप ए है एंड बी है, जो कि एक टैंक को, एक जो पाइप है वो 1 घंटे में भर देती है, मतलब कौन, ए, ठीक है, और 2 घंटे में कौन भरती है, बी, रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है, मतलब ए 1 घंटे में और ये 2 घंटे में पाइप बी भर देती है उस टैंक को, ठीक है। वाइल पाइप सी, ये ध्यान देना, यहाँ फिल लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी, वो खाली कर देती है पाइप सी अब द टैंक इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स, 1 आवर एंड 15 मिनट्स, समझ में आया, ठीक है। ये 1 आवर और 15 मिनट में, 1 घंटा 15 मिनट में ये उसको खाली कर देती है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, ठीक है, वो हम बाद देखेंगे, बट हमको एक रे एरोडायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। उस एरोडायग्राम के तहत हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, आपको बता देते हैं क्वेश्चन। ए एंड सी आर टर्न ऑन 9 AM में इसको ऑन किया गया, और एंड आफ्टर 2 आवर्स, तो पहले जब ऑन किया गया ना, टर्न ऑन किया, तो ए एंड सी आर टर्न ऑन, ए और सी दोनों को खोल दिया गया, वो 9 बजे, उसके 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे काम होने के बाद, ओनली ए इज क्लोज्ड एंड बी इज टर्न ऑन, ठीक है। इसको ए को बंद कर दिए, ठीक है, और बी को टर्न ऑन कर दिए, मतलब उसके बाद बी और सी दोनों काम करने लगे, ठीक है। तब पूछ रहा है कि वेन विल बी टैंक बी इम्प्टीड, कब जो है टैंक जो है खाली हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, पहले हम देखिए क्या बोल रहे हैं, यहां कर दीजिए एक, जैसा आप पिछले क्लास में बताए थे, यहां लिख दीजिए ए, ये बी और ये सी। ओके, ए कितने घंटे में भरती है, तो जो अगर भरती है तो प्लस करेगी, और घटाती है, इम्प्टी करती है, अगर खाली करती है तो माइनस डालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए आपको बोला 1 आवर में, तो 1 रखिए, बी आपको कितना बोला 2 घंटे में, तो 2 रखिए, सी आपको कितना बोला 1 एंड 15 मिनट्स, तो 1 प्लस 15 मिनट्स को हमको आवर में बदलना पड़ेगा, 50 को 60 डिवाइड करना पड़ेगा, समझे, 15 चौक 60, एक पूर्णांक 1/4, 4 एकाएं 4 1 5/4, 5/4 आवर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको इन तीनों का एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए, एलसीएम, आप जानते हो एलसीएम, ऊपर का एलसीएम ले लो। ओके, देखो 5 और 2 तो कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10, ठीक है। अगर ये 1 है तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 से, ये 2 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 से, और ये है आपको कितना से करना पड़ेगा, इसको अगर 10 में इसे डिवाइड करोगे तो 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 दूनी 8। लेकिन एक चीज बताओ मुझे, ये माइनस हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इसको माइनस कर रहा है, समझ गए ना आप, ठीक है। पहले मैं इसको साइन कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये ध्यान से, ये माइनस कर रहा है, ओके, ये क्या कर रहा है, -8 है, क्योंकि एम्प्टी वाला है, ये +5 है और ये +10 है। अब ध्यान देना, टोटल मेरे पास कितना है, आप बताओ टोटल, ये हमारा टोटल टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ओके, ठीक है, और ये क्या है, ये एफिशिएंसी, क्या है, एफिशिएंसी, ये जो है 1 घंटे में 10 भरता है, ये 1 घंटे में 5 और ये इतने घंटे में -8 खाली कर देता है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या बोला कि 9 AM, ध्यान देना,
9 AM पे किसको किसको ऑन किया? ए प्लस सी को, ठीक है। आप इसका एफिशिएंसी बताओ, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 10 ए है 10, और एफिशिएंसी सी का कितना है? माइनस, क्योंकि एमपीटी करता है, तो 2 एफिशिएंसी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और एक चीज और देखना है, लास्ट में बोला है कि खाली होना चाहिए, कितने देर में ये खाली होगा उसको भी ध्यान देना है। तो खाली कितना करना है? 10 ना, लेकिन अभी दो, ये क्या कर दिया, 2 भर रहा है। अब बताओ आफ्टर 2 आवर, 2 आवर मतलब 11 AM पे, ठीक है, 1 घंटे में ये दोनों मिलके 2 भरता है, तो 9 के बाद ये कितने घंटे में चेंज आया ये बताइए। 2 आवर में, तो 1 घंटे में 2, तो 2 आवर में कितना भर दिया होगा? तो +4 भर दिया होगा, ठीक है, 4 बढ़ गया ना, मतलब +4 भर दिया है। उसके बाद क्या हुआ कि ए बंद हो गया, ए क्लोज्ड हो गया, फिर बी टर्न ऑन हो गया। तो लेकिन एक बात बताओ, ए प्लस सी काम कर रहा था, तो ए बंद हुआ लेकिन बी टर्न ऑन हो गया, तो बी और सी काम करने लगा। तो 11 के बाद बी और सी काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी, बी है कितना बताओ? 5 है ना, 5, ठीक है। और सी कितना है? -8, तो ये कितना भर रहा है? -3। आप समझ रहे हो कि ये 1 घंटे में -3 कर दे रहा है, कितना कर दे रहा है? -3। या फिर हम कह सकते हैं, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अभी तक में कितना भर गया, ठीक है, 11 बजे तक में आप अगर देखोगे तो 1 घंटे में ये 2, तो 2 घंटे में ये, 11 बजे तक में ये 4 भर दिया था, इसी 4 को खाली करना है। लेकिन जब ये बी प्लस सी काम करना चालू किया, तो आप देख रहे हो ना कि ये 3 खाली करता है 1 घंटे में। तो इसको ऐसे लिखो, 3 खाली करता है 1 घंटे में, ठीक है। तो 4 कितने घंटे में, क्योंकि हमको 4 खाली करवाना, क्योंकि 4 भरा हुआ, क्योंकि हमको एम्प्टी चाहिए, भरना तो है नहीं, और ये एम्प्टी ही करेगा क्योंकि माइनस में आपको आंसर आया है, ठीक है। इसका एफिशिएंसी तो देखो, 4 कितने में करेगा? 4/3 आवर में। 4/3 का अर्थ कितना हो जाता है बताइए? 1 + 1/3 आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 1 आवर और उसके बाद 1/3 और आवर लगेगा, समझ गए? तो एक तो 11 तो है ही ऑलरेडी, 11 बजे ये भरा हुआ था, उसमें +1 मतलब ये 12 बज चुका है दोपहर के, कितने बज चुके हैं? 12। अब 1/3 आवर का अर्थ कितना मिनट होता है बताइए? 1/3 आवर तो मिनट में बदलना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से काटेंगे, तो ये हो गया आपको 20, 20 कितना हो गया ये? 20 मिनट, मतलब 12 AM के बाद तो जस्ट PM बन जाएगा, तो 12:20 PM, 12:20 PM ये कहीं है आंसर? तो ये देखो है ना, ठीक है। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। पहले मैंने क्या किया कि इसका जितना ये टाइम लेता था भरने के लिए, वो मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है, ये टाइम ले रहा था इतना, ठीक है। अब एक ले रहा था, 2 ले रहा था, और ये 5/4 खाली का ले रहा था, उससे मैंने 10 निकाल लिया, ऊपर का एलसीएम 10, ये एक तो 10, ये दोनों 5 × 2 = 10, और माइनस 8 × 5/4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी मिल गया, 9 बजे था, 9 बजे ए और सी को ऑन किया गया, तो 10 हम दोनों को जोड़ के देख लिया एफिशिएंसी क्या बन रहा है, ये 2 भर रहा था, तो हम देखे 2 घंटे तक ये चला है, 2 घंटे तक देखो यहाँ पे, तो 2 घंटे में, 1 घंटे में 2 भरता है, तो 2 घंटे में कितना भरा? 4। और इसी को बी प्लस सी, अब क्या हो गया, ए को क्लोज कर दिया गया, बी ऑन कर दिया, लेकिन अभी तो सी ऑन है ना, तो बी प्लस सी मिलकर काम कर रहा था, हम देखे ये -3 मतलब 1 घंटे में -3 खाली करता है, तो इसलिए हम ये देखे कि हमको खाली कितना करवाना है? 4, तो 3 1 आवर में, तो 4 4/3 आवर में, 4/3 आवर का अर्थ कितना हो गया? 1 आवर + 1/3 आवर, तो 1/3 आवर मतलब होता है 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट इसको लगेगा, और किस चीज को? खाली करने में। तो 11 AM तक तो यही काम किया था, 11 के बाद ये दोनों चालू किए, तो 11 के बाद अगर 1 आवर 20 मिनट लग रहा है, तो 11 1 12 और 20 मिनट लग गया। कोई प्रॉब्लम आपको समझने में? ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये देखो, ये आपका है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला कि ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? जब एक सर्कल पे एक चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसका कि चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होता है, देख रहे हो है ना, यहाँ यहाँ, और इसका नाम क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी और डी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद क्या बोला, देखिए, कह रहा है ए बी बराबर बी सी है, क्या बोल रहा है? ए बी बराबर, उससे पहले क्या बोला, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी, तो ये दोनों डायगोनल है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? ये पी है, अरे सॉरी 1 मिनट, ठीक है,
ये पी है आपको, ये वाला पॉइंट, ठीक है, नहीं पता क्यों मिट जा रहा है, ठीक है, चलिए पी हो गया। ओके, अब देखो, अब बोल रहा है कि ए बी बराबर क्या है, बी सी है। ए बी कहाँ है ये हमारा, ए बी बराबर हमारा क्या है, बी सी है। ए बी बराबर बी सी, ध्यान रखना। अब बोला कि डी बी सी हमारा कितना है, 70 डिग्री। डी बी सी ये हमारा है 70 डिग्री। ओके, अब देखो बी ए सी 30 डिग्री है, कहाँ है, बी ए सी ये हमारा है 30 डिग्री। आपसे तब पूछा देन पी सी डी, वेर इज पी सी डी, हमको ये वाला बताना है कितना होगा, ये हमको बताना है कितना होगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, देखो ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर, तो इसके तो अगर हम ए बी और सी ट्रायंगल देखें तो इसमें अगर दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी क्या होने चाहिए, बराबर। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, ये अगर 30 है तो ये भी 30, समझ गए ना। अब ये देखो यहाँ पे ये 70 और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 30 100। तो अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स देखोगे तो ये तो 100 डिग्री होगा ही, कितना हो जाएगा 100 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, अब देखो आपसे कौन सा पूछा है, पी सी डी ना, तो अब देखो ये 100 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 70 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 70 30 100, ये 80 डिग्री। अब देखो एक और चीज आप जानते होंगे सर्कल में, कि कोई भी एक अगर कॉर्ड है, अगर जितना एंगल यहां बनाती है वही एंगल यहां भी बनाती है, ये दोनों थीटा थीटा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताओ अगर इस बी सी को हम कॉर्ड मान लें, तो बी सी अगर ए पे 30 डिग्री बना रही है तो यहां भी कितना बनाएगी, यहां पे ये भी बनाएगी 30 डिग्री। देखो ये बी सी है हमारा, है ना, तो बी सी देखो ए पे जा रही है ऐसे करके, ठीक है, 30 डिग्री, तो यहां से अगर यहां आएगी तो इसको भी कितना बनाएगी, 30 डिग्री। हमको ये पूछा है तो अगर ये 100 है और ये 30 डिग्री है तो 130 तो यही हो गया, और एक ट्रायंगल कितना होता है 180, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री, कोई दिक्कत, ये ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया ना। इसमें इसमें दो चीजें यूज हुई हैं, एक तो कि एक जो साइड होता है ये वाला, कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल में अगर कोई कॉर्ड है ना, तो ये जितना यहाँ बनाती वही उतना यहाँ भी बनाती है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा। दूसरा चीज क्या होता है सर्कल में, कि अगर ये सेंटर है मान लीजिए, यहाँ अगर 2 थीटा बना रही है ना, तो कहीं भी बनाएगी तो वो थीटा ही बनाएगी, चाहे यहाँ से यहाँ कर दो यहाँ कर दो, इसका आधा बनाती है, ठीक है, इसका 2 थीटा अगर सेंटर बनाती है तो सर्कमफेरेंस पे थीटा आधा बनाती है। दूसरा चीज हम इसमें क्या देखें, कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो उसके सामने वाला ये भी बराबर होगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज हमारा इसमें था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका था, इसको कहते हैं आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक और चीज होता है, मैं आपको वो भी बता दूं यहीं पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, ठीक है, तो ये और ये मान लीजिए एक्स है और ये मान लीजिए वाई है, तो एक्स प्लस वाई क्या होता है, 180 डिग्री। अगर ये ए है ये बी है तो ये भी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इतना चीज थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखना, ये सर्कल से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, करते हैं फिर भी। देखिए क्या लिखा, व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, इतना इतना समय से एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सब प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम एक चीज बताए थे कि देखिए प्रैक्टिस क्यों जरूरी होता है, प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होता है कि जब हम एक बार देखें 1 + 2 = 3 है, तो जब कहीं पे 1 + 2 लिखा होगा तो ये नहीं कि 2 1 3 करने लगे, नहीं, प्रैक्टिस से जरूरी होता है कि 1 + 2 हमको समझ में आ जाना चाहिए कि वो 3 होगा, ठीक है। ये क्यों कह रहे हैं हम आपको बताते हैं, अगर आप हमारा पीछे वीडियो देखे होंगे उसमें क्या हम देखे थे, कि इसमें जो ये जिस तरह का इक्वेशन बनता है उसमें एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इस चीज को यहाँ भी ध्यान देंगे। मतलब मेरा क्या कहना है कि चार चीजें, मतलब देखिए ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शनल में, तो आप जानते हो ए बाई बी बराबर सी बाई डी होता है, ये चारों के प्रोपोर्शनलिटी का तरीका है, तो देखते हैं। और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब ए और बी अगर सी है तो इसको भी इसी तरह से लिखिए, ए बाई बी बराबर बी बाय सी, अगर इसको करोगे तो बी स्क्वायर बाय ए सी। ये बी जो होता है ना, ये बी यहाँ के लिए ये मीन प्रोपोर्शन है, क्या है, मीन प्रोपोर्शन। आपको दोनों चीजें पूछी, इसको हम साइड में रहने देते हैं, बनाते हैं इधर। देखिए एक्स सब्ट्रैक्ट किया गया 21 में, ठीक है, 21 माइनस एक्स बाई 22 माइनस एक्स, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया ना तो ये सब मीन प्रोपोर्शन हो गया, 60 माइनस एक्स
64 - x। अब देखिए इतना कंफर्म है कि इधर से जो एक्स स्क्वायर बनेगा इधर से एक्स स्क्वायर बनेगा, तो पहले हम लिख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। 21 - x और यहाँ देख लीजिए 64 - x, इधर भी कर लीजिए 60 - x और यहाँ कर लीजिए 22 - x। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, इधर एक्स वो तो कट ही जाएगा। अब बच गया कि माइनस एक्स का 64 भी मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और दोनों ऐड ही होगा, तो हम क्यों ना इस दोनों को ऐड करके ही कर लें, ठीक है। देखिए कैसे, 4 × 1 = 5, 6 × 2 = 8 और ये सब किस में है, -85x, क्योंकि देखिए -64x और इतना, और दूसरा क्या होगा 64 × 21 + 64 × 21, ये बनेगा इधर, आपको समझ में आया ना, ठीक। देखिए नेक्स्ट, इधर देखिए 60 और 22 कितना हो जाएगा 82, लेकिन दोनों माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा +60 × 22, ठीक है। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये वाला बड़ा है ना माइनस, इधर इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। देखो 64 × 21 इधर रहने दिए और इस टर्म को इधर लेके आए LHS में 60 × 22, और देखो यहाँ -82x और ये वाला टर्म इधर आ गया 85x, ओके। तो यहाँ से आपको तो 3x आ गया बराबर 64 × 21 - 60 × 22, इस 30 से ये कट जाएगा 20 बार में और 30 से ये 7 बार में कटा ना, तो ये देखो 7 × 6 = 28, 28 के एड बाकी 2, 7 × 42 = 44, माइनस 22 × 44 = 440 बराबर एक्स, तो एक्स कितना आ गया हमारा 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ ये दो टर्म है और इसका अगर हमको मीन प्रोपोर्शन चाहिए, क्योंकि एक्स हमको आ चुका है, तो अगर मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, ये मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, अगर ये मीन प्रोपोर्शन में रहे तो रूट अंडर ए सी होता है ना, अगर मीन प्रोपोर्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर ए सी। तो अगर हमको मीन प्रोपोर्शन चाहिए एम पी, तो हमको यहाँ पे रूट अंडर एक्स प्लस 1 और 7x + 8 करना होगा, ठीक है। देखिए रूट अंडर आपको ये कितना दिया हुआ है, एक्स 8, 8 आ चुका है, 8 × 9 और 7 × 8 + 8, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 × 56 = 64 और आप जानते हो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 9 के बदले 3 आएगा बाहर और यहाँ से 8, तो 8 × 24 = 24, समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा, ये देखिए ये वाला चीज अलग है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया आपको 24, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने क्यों बोला, देखिए पिछला बार क्या हुआ था, जब आपको हम बता रहे थे तो ये एक्स, जब ये एक्स एक्स मल्टीप्लाई होता है ना, तो -x × -x, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आता है, -x × -x यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आता है, तो जब ये दोनों चीज़ें आती ही हैं तो इसको हम क्यों, जब इधर कटना ही है तो काट देंगे। दूसरा क्या है कि देखिए ये -x से ये मल्टीप्लाई हुई, इस -x से ये मल्टीप्लाई हुई, इसलिए हम माइनस में दोनों साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जी सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ओके, जी क्या दिया हुआ है आपको, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ओके। जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड एबीबीसी एंड सीए आर 7, 24 और 25। अच्छा एक चीज बताइए, 7, 24 पे आपको ट्रिपलेट नहीं लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, तो अगर ये ट्रिपलेट्स हैं आपको, देखिए कुछ ट्रिपलेट तो आपको याद होने चाहिए, 3, 4, 5, इसी तरह से ये भी हैं 7, 24, 25, ठीक है, 25 हमारा हाइपोटेनस है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, एक मिनट में देखता हूँ, अगर कोई ट्रायंगल हो 90 डिग्री, सॉरी नहीं है, ठीक है देखते हैं खुद से करते हैं। देखो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, ऐसे सही बनेगा, बहुत बढ़िया। देखिए ये आपको क्या दिया हुआ है, बी सी सी ए, सी ए आपका 25 है तो सी यहाँ रख दो, ए यहाँ रख दो, सी ए आपका 25 और ये बी हो जाता है, ठीक है। आपको बोल रहा है इसका सेंट्रॉइड, ध्यान देना सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बनता कैसे भाई, तो आप जानते हो सेंट्रॉइड बनता है बी से, जब सामने वाले वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड को बराबर बांटते हैं, तो ये और ये बराबर होता है, सही है ना। तो अगर आपको याद होगा मेरे सेंट्रॉइड वाला, अगर मैंने जो एक क्लास पढ़ाया था इस पर, अगर आप देखे होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये भी इसी के बराबर हो जाता है, तो आप देखो अगर इसको 7 मान लूँ मैं, इसको 24 मान लूँ और ये पूरा 25 मान लूँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या क्या होगा। अगर ये 25 मान लिया आप देखो, तो ये 25/2, ये भी 25/2
और इसको डी मान लो, तो हमको बताओ ये मीडियन कितना हो गया, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर आपको हो जाएगा 25/2, क्योंकि ये बी डी बराबर सी डी और डी ए बराबर होते हैं, सॉरी डी ए दोनों बराबर होते हैं, जितना यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से यहाँ तक है वो भी, ए भी इसी के बराबर होंगे, समझ गए, तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन अब देखिए सेंट्रोइड की जहाँ तक बात है, सी से भी लाएंगे जो 24 को भी बांटेगा ऐसे करके, क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, और हम एक चीज जानते हैं कि अगर मीडियन ऐसे होता है, ये सेंट्रोइड जी है, तो ये 2:1 में बांटता है, कितना में बांटता है, 2:1 में, तो यहाँ जी हो गया मेरा सेंट्रोइड, आपसे पूछा क्या है, बी जी ना, तो अब ऐसा हो गया, देखो बताते हैं, ये अगर बी डी हो गया, ध्यान देना, ये अगर बी डी है तो जी यहाँ पे है, ठीक है, और बी डी हमको पता है, और ये पता है कि ये 2:1 में बटेगा, कितना में बटेगा, 2:1 में, ये देखो 2:1 में, मतलब मेरा ये कहना है कि बी जी बटा जी डी बराबर 2:1 होगा, ओके, मतलब 2/1, 2/1 में बटना, और मुझे ये चाहिए, ये तो रेशियो में बट रहा है ना, तो अगर मुझे ये बी जी चाहिए तो बी जी बराबर आपका हो जाएगा कि बी डी में 2/3 करना पड़ेगा, 2/टोटल 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको ये मिल जाएगा, देखो लेकिन बी डी है कितना मेरा, 25 × 2, 25/2 है, ठीक, और इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 × 2 50/6, तो 6 से अगर करेंगे 6 × 8 = 48, 2/2, अच्छा इसको काट भी तो सकते थे, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 25 से 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 × 8 = 24, 8 × 1/3, कहीं आंसर है, ये रहा आपका 8 × 1/3। इसमें हम क्या क्या सीखे कि कोई भी सेंट, ये जो होता है मीडियन सामने वाले साइड को बराबर बांटता है, और ये जो यहाँ बनता है ये जी सेंट्रोइड, इसको 2:1 बांटता है, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान देने वाली बात थी कि अगर ये अगर मीडियन होता है, सामने वाले मीडियन डालते हैं अगर 90 डिग्री पे, ये क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था, तो ये और ये बराबर होता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।